चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी लिखता हूं मैं। सेकेंड पार्ट में जो पॉइंट ए और बी बना रखे हैं वो एक ही लाइन के अलोंग है, रेडियली एक ही लाइन के अलोंग है। देखिए दिस इज, ये तो अभी भी सेम रहेगा आफ्टर टाइम टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वुड बी अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट जीरो मान ली। अब सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखने के लिए पॉइंट बी और सी की वेलोसिटी लिखता हूं, पॉइंट बी की वेलोसिटी और पॉइंट सी की वेलोसिटी, यह होगी ओमेगा आर बाय टू और यह होगी ओमेगा आर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज ओमेगा आर बाय टू आई कैप और अल्फा टी आर बाय टू आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स इज ओमेगा आर इंटू आई कैप किसी भी समय पर। तो अल्फा टी इंटू आर इंटू आई कैप। फ्रॉम हियर रिलेटिव एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे तो अल्फा आर टी बाय टू इंटू आई कैप, यह होगी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं कहूंगा ओमेगा बी भी ओमेगा ही है, बी की भी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है इसी डायरेक्शन में, और ए की भी ओमेगा ही है। ऑल्दो मैंने ओमेगा का डायरेक्शन समझाया नहीं है, मैं आगे रोटेशनल में इस बात को जरूर समझाता हूं, मगर फिर भी अभी तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी इट्स द सेम ओमेगा एंड बोथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो होगी, बिकॉज फॉर बोथ बी एंड सी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं एक्सीलरेशन के लिए लिखता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ बी, देखिए बी के दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो रेडियल और एक टेंजेंशियल, रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू, और वो रेडियल इधर होगा वाई एक्सिस के अलावा तो जे, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा अल्फा इंटू आर बाय टू, और यह होगा और पार्टिकल सी के भी जो एक्सीलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल, पार्टिकल सी का रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर इंटू जे प्लस अल्फा इंटू आर इंटू आई। इनको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिखू तो ओमेगा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर बाय टू इंटू जे कैप, और ये अल्फा आर बाय टू इंटू आई, यह ऐसा कैसे लिखूंगा, और इधर अल्फा स्क्वायर आर
t square by 2 into j cap over alpha into r into I cap. अब हम relative acceleration लिखते हैं. Relative acceleration is acceleration of c minus acceleration of b. Sorry, इधर by 2 नहीं. C minus b करेंगे तो alpha square r t square by 2 whole into j cap plus alpha r by 2 into I cap. This is the complete fourth problem. बड़े ध्यान से देखें, relative velocity, relative angular velocity और relative acceleration of the particles, in this case particle B और C को दोनों केस में special और peculiar positioning दी थी और उसके हिसाब से हमने लिखा है. अब हम ninth problem solve करेंगे. अब ninth problem पढ़ते हैं. A particle of mass m is moving with constant speed v in a circular path in a smooth horizontal plane, the plane of paper, by a spring force as shown in figure. If the natural length of a spring is L naught and stiffness of the spring is K, find the elongation in the spring. देखिए, a particle of mass m is moving with constant speed v in a circular path in a smooth horizontal plane by a spring force. If natural length of spring is L naught and stiffness of the spring is K, find the elongation in the spring. देखिए, जब यह move करेगा circular motion में, तब यह स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी और एलोंगेट होकर इसकी लेंथ हो गई L प्लस X नॉट. ठीक है ना. अब यह सर्कुलर मोशन यदि V नॉट से कर रहा है, V से कर रहा है, तो हम कहेंगे इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m v स्क्वायर बाय l नॉट प्लस x नॉट. और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी और स्प्रिंग की वजह से फोर्स होएगा k x नॉट. सो k x नॉट वुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन l नॉट by R, the centrifugal force, and this must be equal to centripetal force. अब हम कहेंगे कि we need to solve for x. तो सबसे पहले हम एक quadratic equation इधर बना सकेंगे. देखिए किस तरह से, k x naught square plus k L naught into X naught minus M V square is equal to 0. यह एक quadratic equation बन गई. Now one can write the solution of this quadratic equation. The solution of this quadratic equation is X naught is equal to minus K L naught plus or minus under root of K L naught square minus 4 A की जगह पर K, C की जगह पर minus M V square upon two K. हम पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव टर्म चूज कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर प्लस फोर
एम के वी स्क्वायर अपॉन 2 के माइनस के लॉग. दिस वुड बी द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. कॉन्स्टेंट स्पीड वी, एलोंगेशन हमने एल नॉट ले लिया तो रेडियस हो गया एल नॉट प्लस एक्स नॉट. एलोंगेशन हमने एक्स नॉट ले लिया, एलोंगेशन एक्स नॉट है तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स की एक्स नॉट लगेगा. इन दिस की एक्स नॉट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स नॉट के लिए सॉल्यूशन लिख. दिस इज द 9th प्रॉब्लम. ध्यान से देखें, इसके बाद हम 10th प्रॉब्लम करेंगे. देखिए, 10th प्रॉब्लम. अ पेंडुलम बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्ट्रिंग इज जस्ट टॉट एंड हॉरिजॉन्टल. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विथ हॉरिजॉन्टल. देखिए, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन. इधर से इसको गिराया गया और किसी भी समय पर यह जब हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बनाती, इस थीटा एंगल पर इसमें टेंशन क्या है एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद हॉरिजॉन्टल. देखिए, हम वेलोसिटी सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं. वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होगा. इसकी वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में होगी और इस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा. हम कहते हैं एन जी और ये एच इज दिस लेंथ इज एल. लेंथ एल ले लेता हूं मैं, बस एल एम जी एल. ये दिस इज एल साइन थीटा, दिस इज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. एम से एम कैंसल्ड, v square equal to 2gl sin theta, velocity is under root, अब हम कहते हैं कि टेंशन जो होगा वो किस वजह से होगा, इस बात को समझे. इस सिचुएशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एमवी स्क्वायर बाय एल और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, तीसरा टेंशन टी, और इन सब की वजह से इसका एक एक्सीलरेशन ए. दिस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस. यह टेंशन टी, मैं इसी समय
फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं और फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक और बार सी बॉडी डायग्राम भी बनाऊंगा। मैं इनफैक्ट अलग से बना देता हूं। मैं एमवी स्क्वायर बाय आर टेंशन टी के ठीक अपोजिट यह जो एमवी स्क्वायर बाय आर है, एमवी स्क्वायर बाय एल, इसमें तो कोई फर्क नहीं करता हूं। जो एमजी है इसको जरूर रिजॉल्व करता हूं। अब इसे मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा? अभी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल और यही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है। मैं सबसे पहले एंगल थीटा आइडेंटिफाई करूंगा। अभी मैंने एमजी इधर बना रखा है। एंगल थीटा कौन सा है यह समझना जरूरी है। यह एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा, तो यह 90 माइनस थीटा तो यह थीटा, दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल थीटा। तो एमजी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस जगह पर एमजी साइन थीटा और इस जगह पर एमजी कॉस थीटा। अब मैं टेंशन के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। टेंशन टी वुड बी एमवी स्क्वायर बाय एल प्लस एमजी साइन थीटा। टेंशन टी वुड बी एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर की जगह टू जी एल साइन थीटा और प्लस एमजी साइन थीटा। एल साइन कट गया। टेंशन टी वुड बी 3 mg sin theta, या तो टेंशन टी हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मेड बाय स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब। एक्सीलरेशन कौन करवा रहा है? एक्सीलरेशन करवा रहा है mg cos theta। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज mg cos theta। So acceleration is g cos theta. This is the acceleration and this is the tension. यह tension है और यह acceleration है। बड़े ध्यान से इस पूरे problem के solution को समझे। एक बात और ऐड कर दी जाए, दिस इज इनफैक्ट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यह जो एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसके अलावा वहां पर एक रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, वहां पर एक रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा। और वो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है वहां भी लिख देते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय एल। रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय एल। सो रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय एल, दैट इज टू जी साइन थीटा, टू जी साइन थीटा, दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन। और नेट एक्सीलरेशन के लिए हम लिख देंगे, नेट एक्सीलरेशन इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियल एक्सीलरेशन। सो नेट एक्सीलरेशन इज अंडर रूट ऑफ जी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस टू जी साइन थीटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस।
सिंप्लीफाई करने पर वो आंसर दिखने लगेगा आपको, एक्सीलरेशन इज जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तीन लेवल में दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हम लेवल 1 के डाउट्स पहले लिख लेते हैं, फिर लेवल 2, देन लेवल 3। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लेवल 1 और लेवल 2 हाँ जी प्लीज, जिसके हाथ में माइक हो बाकी सभी के डाउट भी बोल दो। सभी लेवल 1 का कौन सा डाउट बोल रहे थे? लेवल 2 लेवल 3 है, तेजी से बोलो भाई, भाई माइक किसके हाथ में है, फटाफट हाथ। हाँ सर, लेवल 2 में 13, लेवल 2 में 13, 14, 14, 16, 16, बाकी सब पूछो, बाकी 6 बैच में बाकी और जो है उनसे ही पूछ लो फटाफट, बाकी लोग तेज से बोल दो और एक माइक पर आप रिपीट कर दो उनके नंबर। लेवल 1 में 3rd और चलिए 7th भी बड़ी, लेवल 1 का 3rd पहले कर देता हूं, 3rd ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लेवल 1। अ कार इज ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी वी ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। If it is increasing its speed at a rate of a meters per second square, the resultant acceleration will be. देखिए, यदि वह अपनी स्पीड a से इंक्रीज करता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो उसका डेफिनेटली a है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसका a है और उसका एक रेडियल एक्सीलरेशन भी है। रेडियल एक्सीलरेशन इज ए आर, यह रेडियल एक्सीलरेशन है वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर दे रहे हैं, ठीक है ना। द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हम कहते हैं इट्स वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल, इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वह नेट एक्सीलरेशन होता है। So net acceleration is a square plus v to the power 4 by r square. This is the net acceleration. Ab level 2 ka 6th problem. Level 1 mein aur koi doubt ho to likha dena beech mein. Main level 2 ka jis order mein likha hai us order mein karne ke bajaye jis order mein increasing to decreasing karta hu, pehle 6th problem. A particle of mass m1 is fastened to one end of the string and one of m2 to the middle point. And the other end of the string is fastened to fixed point on a smooth horizontal table. The particles are then projected so that the two portions of the string are always in a straight line. Discover, find the ratio of tension. Take it. यह फिक्स पॉइंट है O, इस पर यह मास m1 और इधर मास m2, मास m1 इधर है और मास m2 इधर। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग फास्टेन टू फिक्स पॉइंट द पार्टिकल इज देन स्मूथ द रेशियो ऑफ टेंशन द टू।
देखिए अब इस तरफ इसमें टेंशन T1 बोल देता हूं, इसमें टेंशन T2 बोल देता हूं, हम कहेंगे इस जगह पर इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा M1, ओमेगा सेम है इसलिए सब कुछ ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर L, जो T1 होना चाहिए वह M1 ओमेगा स्क्वायर L, और इस जगह पर एक और फोर्स लगना चाहिए M2 ओमेगा स्क्वायर L/2, जो T2 होगा वह M2 ओमेगा स्क्वायर L/2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर L। मैं T1 अपॉन T2 निकाल सकता हूं, T1 अपॉन T2 ओमेगा स्क्वायर L कैंसिल हो जाएगा, M1 अपॉन इधर हो जाएगा M2/2 प्लस M1, so the answer would be 2M1 upon M2 plus 2M1. और उन्होंने T2 upon T1 लिख रखा है, उन्होंने जो लिख रखा है वह T2 upon T1, हमने T1/T2 लिखा है, उन्होंने जो दिया है that is T2/T1, that is M2 plus 2M1 upon 2M1. The sixth problem. हमने M1 omega square L को T1 के बराबर करा और फिर T2 को दोनों रेडियली आउटवर्ड फोर्स के बराबर कर दिया। Then, seventh problem. A mass M is revolving in a vertical circle at the end of a string of length 20 cm, by how much does the tension in the string at the lowest point exceed the tension in the topmost point? ये already हमने situation कर रखी है। देखिए, यदि इस जगह पर velocity v1 है, तो इस जगह पर velocity v2 होती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं इन्हें रिलेट करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होगा। इस जगह पर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, जबकि इस जगह पर यही चीज पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस v2 स्क्वायर। यह रिलेशनशिप पहले लिख लिया। अब हम कहते हैं टेंशन रिलेट करने के लिए, इधर हम कहेंगे mv1 स्क्वायर बाय r और साथ में mg और ऊपर टेंशन T1। तो टेंशन T1 mv1 स्क्वायर r प्लस mg, जबकि इस सिचुएशन में हम कहते हैं mv2 स्क्वायर बाय r और mg नीचे और टेंशन T2 इज mv2 स्क्वायर r माइनस mg। अब हमसे पूछा है T1 माइनस T2, तो T1
माइनस टी टू जब हम करेंगे दिस माइनस दिस हम करेंगे तो देखिए एम बाय आर इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एम बाय आर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस इज प्लस टू एम जी मैं इस तरह से लिखूंगा और वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इसकी वैल्यू मुझे ऊपर से दिख रही है इज इक्वल टू एम बाय आर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इज फोर जी आर प्लस टू एम जी दिस इज इक्वल टू सिक्स एम जी This is tension T1 minus tension T2. Thirteenth problem करूंगा इसके बाद एक बार ध्यान से देख लीजिए इसके solution को